planet. Thars our Earth is our special planet. It is the only planet in the solar system known to have life. It is possible just because of the stable condition present on it. Our home, our Earth, has air and water and gets the right amount of heat and light from the sun. That makes it suitable for living beings to stay alive. Okay? That means our Earth is our special planet. हमारी जो पृथ्वी है वो क्या है? एक खास ग्रह है. It is the only planet, या केवल एक ऐसा ग्रह है in the solar system, मतलब हमारे solar system में known to have life, जिसमें हम जीवन पाते हैं. It is possible just because of, यह केवल इसलिए संभव है क्योंकि यहाँ पर suitable condition present on, कुछ सहायक वस्तुएं, सहायक शर्तें उपस्थित हैं. Our Earth has air, हमारी पृथ्वी के पास हवा है, and water, पानी है, and get the right amount of, and सही मात्रा में गर्मी और प्रकाश भी है. The sun that makes it suitable for living beings to stay alive, जो and सूरज भी है, सूरज, sun, जो हमारे life को easy करने में, अच्छी तरह से जीने में suitable है, सहायक है. Okay, next आते हैं shape of the earth. Okay, the earth is like an orange in shape, but it looks flat to us because we see a very small portion of it. Earlier people believed that the shape of the earth was flat. They also believed that they would fall off the earth if they had gone far enough. It means the earth is like an orange. जो अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, वो किस तरह है, उसका जो आकार है वो ऑरेंज. ऑरेंज आप सबने खाया होगा, है ना? तो किस तरह है वो? ऑरेंज की तरह है. ठीक है, बट इट लुक्स लाइक फ्लैट वॉस. लेकिन जब हम इसमें रहते हैं तो हमें क्या लगता है? ये फ्लैट मतलब समतल है. बिकॉज वी सी अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ इट, ये इसलिए क्योंकि हम इसका बहुत ही छोटा सा पोर्शन देखते हैं. अर्लियर पीपल बिलीव दैट, जो पहले के लोग थे वो विश्वास करते थे कि जो पृथ्वी का शेप है वो क्या है? फ्लैट. पहले के लोग थे वो इस चीज को मानते थे कि जो पृथ्वी का शेप है वो फ्लैट है, लेकिन ऐसा नहीं है. दे आल्सो बिलीव दैट दे कुड फॉल ऑफ द एज इफ दे हैड गोन फॉर इनफ. उनका ये मतलब था कि अगर वो काफी दूर चले गए, अगर वो काफी दूर चले जाते और ऐसे चलते जाते तो वो जमीन पे गिर जाते, क्योंकि उस पोर्शन जो है छोटा है और वो समतल है. उनको ये लगता था, बट ऐसा नहीं है. ओके, फरीदानंद मैगलन वाज द फर्स्ट टू प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड इन 1522. फरीदानंद मैगलन जो थे उन्होंने पहली बार ये चीज प्रूव किया था कि जो पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, वो क्या है? गोल है, राउंड. ठीक है, ही एंड हिज sailors sailed from Spain on a long voyage on the ship Victoria. उनके वो और उनके जो sailors थे, मतलब उनके जो नाविक थे, sailed from Spain on a long voyage. वो समुद्री यात्रा पर निकले, क्या? Long voyage on the ship Victoria. ship पर बैठ के समुद्री यात्रा पर निकले और जहाज और ये पता करने की पृथ्वी का शेप क्या है. The ship sailed all the way around the world and reached the same point where it had started. The ship sailed. जहाज क्या है? दुनिया भर में रवाना हो गया और रवाना होने के बाद उसने हर जगह गया. लेकिन वो कहाँ पहुंचा जहाँ से उसने स्टार्ट किया था? क्या? चलना. This clearly proved that the earth is round like a ball. उनके इस उसने ये चीज प्रूव कर दी कि this clearly proved that earth is round like a ball. जो अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, वो कैसी है? Like a ball. Some years later, Sir Isaac Newton, an English scientist, mathematics and astronomer, suggests that earth is not a perfect sphere, but it's rather somewhat flattened at its poles. Some years later,
small than Mars and Mercury and just slightly larger than Venus. देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ pictures दी गई हैं और ये सारे planets, कई planets, सब सारे बच्चे इतने books में नहीं थे, बहुत ही समझ नहीं थे, ठीक है? Look at the picture of the Earth and some of its neighbor. Given here, उसकी कुछ जो Earth है, भी एक ग्रह ही तो है, उसके साथ अनेक कई ग्रह हैं, तो उसके अगल बगल है. Compared to these planets, इनका अगर हम comparison करें, पृथ्वी के साथ बराबरी करें, the Earth is still look very large. पृथ्वी है वो इनके comparison में बहुत बड़ी लगती है. It is much larger. For example, ये खुद बड़ी है. किसके compare में? Mars के, Mercury के and Venus के. ठीक है? चलिए आते हैं. As we compare the Earth with its layer, neighbors, however, we begin to see just how small it really is. The massive planets of our solar system are many times larger than the teeny Earth that we inhabit, like Jupiter and Saturn. The Jupiter is the largest planet in the solar system. As we compare the Earth with the larger neighbors, we can have a comparison. बड़े ग्रहों से करें तो कैसे भी we begin to see just how small it is really is. तो अगर हम उसका कंपेयर जो बड़े ग्रहों के साथ करें तो हमको लगेगा कि पृथ्वी क्या है, छोटी है. The massive planet of our solar system, जो हमारे ग्रह का massive मतलब विशाल planet है, वो क्या है, times larger than teeny earth. वो बहुत ही बड़े बड़े लगते हैं और अर्थ क्या है, बहुत teeny लगती, बहुत छोटी लगती है. System are many times larger than the teeny Earth that we inhabit. Like Jupiter, जो हमारी पृथ्वी से क्या है, बड़े हैं. वो ग्रह कौन से हैं? Jupiter है, Saturn है. Okay? Jupiter जो है वो largest planet है, सबसे बड़ा ग्रह है हमारे solar system का. Okay? Atmosphere. Our Earth is surrounded by a layer of gases called the atmosphere. This atmosphere acts as a blanket for the earth and protects us from the direct rays of the sun. The atmosphere contains different types of gases which are important for the survival of all living things. Our earth is surrounded by a layer of gases. हमारी जो पृथ्वी है वो क्या है? Surrounded मतलब घिरी हुई है. इससे layer of gases मतलब गैसों से घिरी हुई है. Called at the atmosphere. इसे हम क्या कहते हैं? Atmosphere कहते हैं. Yes, it's called the atmosphere. This atmosphere acts as a blanket for the earth and protect us from the direct rays of the sun. ये जो हमारा atmosphere, हमारा वायुमंडल है, acts मतलब किस तरह काम करता है? Blanket मतलब कंबल की तरह हमारी पृथ्वी के लिए, और हमारी पृथ्वी को क्या करता है? Protect करता है, रक्षा करता है. As from the direct rays, जो हम सूर्य की हानिकारक किरणें आती हैं, उनसे हमारी रक्षा करता है. The atmosphere contains different type of gases which are important for the survival of all living things. The atmosphere contains, जो हमारा वायुमंडल है, वो क्या करता है? Contain different type of gases. उसके पास बहुत अलग अलग तरह की गैसेस हैं, which are important, जो क्या है? हमारे लिए important है. हमारे जीवन के सर्वाइव करने के लिए बहुत ही आवश्यक यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ओके, जितना मैंने पढ़ाया है आपको घर में बहुत अच्छे से रीडिंग करनी है, हर एक वर्ड का मीनिंग समझना है. अगर यू आर नॉट सुटेबल इन दैट, यू कैन आस्क मी एवरी टाइम. ओके, आप मुझे कॉल करके